सर ये सुपर थर्टी है क्या? सुपर थर्टी मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग है जिसका मिशन है समाज अपनी समस्याओं का निदान स्वयं ढूंढ सकता है अथवा नहीं। और प्रयोग करके मैंने अभी तक जो पाया है कि हाँ ये संभव है, समाज अपनी समस्याओं का निदान स्वयं अपने प्रयासों से ढूंढ सकता है और उसी प्रयास का नाम सुपर थर्टी है। हर साल इसमें कितने बच्चे अपीयर होते हैं और इस बार कितने अपीयर हुए लगभग? आप जो व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ इसका एक अंग है जिसमें आईआईटी जेई के लिए चयनित किया जाता है बच्चों को। उसमें संख्या हम लोगों ने निर्धारित की है 30 की है, लेकिन उससे अगर कम भी होगा अर्थात 20-25 उससे नहीं मिल पाएगा उस स्तर का बच्चा तो हम उतना नहीं लेंगे। 10,000 बच्चे फर्स्ट राउंड में अपीयर हुए थे, ये आज सेकेंड राउंड है जिसमें 1200 बच्चों को बुलाया गया है और इन 1200 बच्चों में से हम 30 को सेलेक्ट करेंगे जो सुपर 30 अभियान है। सुपर 30 जो स्पॉन्सर्ड है बाई श्री एडी सिंह, उन्होंने अपने माता और पिता के नाम से एक फाउंडेशन बनाया है, उस फाउंडेशन के ही तहत ये किया जा रहा है। सर आप यहाँ ये सुपर 30 को जो आप बच्चे लोग को जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो किस तरह के आप तैयारी कर देते हैं उन लोगों के जो औरों से अलग हो? यहाँ जो चीज़ बिल्कुल अलग है सबों से वो ये है, एक हमको यहीं रहना होता है, वो यहीं रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, ये एक बात हुई। जो पढ़ाई का मेथडोलॉजी है उसमें स्पष्ट है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कुछ मैथ्स का भी पोर्शन करता हूँ उनके साथ, जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर्स हैं उनके साथ भी यही है कि वो किसी भी प्रश्न का हल करके उनको नहीं देंगे बच्चों, उनको सोचने के लिए विवश करेंगे, उनकी अपने सोचने की क्षमता पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उनके साथ कोई नहीं रहेगा बताने वाला, तो उनको हर समस्या को मौलिक सिद्धांत के आधार पर कैसे समझा जाए और नई सोच कैसे डेवलप की जाए जिससे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। सर आपका नाम? मेरा नाम अभयानंद।